सोर्सेस की माने तो मंडे नाइट को मुंबई के एक नाइट क्लब में टोटल 34 लोगों को अरेस्ट किया गया फॉर वायलेटिंग कोविड नॉर्म्स। रिपोर्टेडली अरेस्ट हुए लोगों में रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, सिंगर गुरु रंधावा, इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान सहित इस क्लब के 7 स्टाफ मेंबर्स शामिल थे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में सुरेश रैना, गुरु रंधावा को बेल पर रिहा कर दिया गया। मुंबई के इस पब में ये रेड की गई थी फॉर कीपिंग द एस्टेब्लिशमेंट ओपन बियॉन्ड द परमिसेबल टाइम लिमिट एंड नॉट फॉलोइंग कोविड नॉर्म्स। आपको बता दें कि मंडे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप अमिड ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर अ न्यू पैंडेमिक रिलेटेड वायरस वेरिएंट स्प्रेडिंग इन ब्रिटेन अपार्ट फ्रॉम पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लाइट मूवमेंट्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस न्यू ईयर और फेस्टिव सीजन को देखते हुए 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप मुंबई में पब्लिक एक्टिविटीज पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को देखते हुए मुंबई में नाइट एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू शेयर किए अपने प्लान्स फॉर 2021। शी सेड, कुछ साल पहले मैंने माता जी के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। मैंने 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। मैं चाहती हूँ कि 2021 में केदारनाथ जाकर मेरे 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं। अगले साल मैं पूरी जगन्नाथ भी जाना चाहती हूँ। और आप? वहीं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने शेयर किया अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविक के साथ बेबी अगस्त्या का ये अडोरेबल वीडियो, जिसमें अगस्त्या इज हैविंग अ बाथ। सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष आजकल ताजमहल में अपनी फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग को कर रहे हैं कंप्लीट। और इस शूट के दौरान अक्षय कुमार ने कर दिया सारा अली खान को एम्बैरेस। कैसे, आप खुद ही देखिए। तो दर्शकों, हमारे पास है एक ऐतिहासिक अतिथि प्रेजेंटिंग शाहजहां। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई टू लुक वहां, इवन दो मिस्टर कुमार यहां रहा। जो मैंने कहा, स्माइल कीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा, इन्होंने राइम करने की कोशिश की, इससे घटिया राइम आज तक नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं है, करते रहो। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया उनके पास कभी भी कोई गॉडफादर नहीं था, एंड व्हेन ही यूज्ड टू प्रैक्टिस म्यूजिक उनके पास एक बैकअप प्लान था कि वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। दिलजीत दोसांझ हाल फिलहाल फार्मर्स प्रोटेस्ट पर अपने व्यूज की वजह से कंगना रनौत के साथ सोशल मीडिया पर तू-तू मैं-मैं करते नजर आए थे। अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने फिर से एक बार मंडे को लंबी पूछताछ की, और अब एक एनसीबी ऑफिसर ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में फिलहाल अर्जुन रामपाल को क्लीन चिट नहीं दी है। आपको बता दें, एनसीबी ने ये पूछताछ अर्जुन रामपाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जांच और उनके घर बरामद हुए टैबलेट्स के आधार पर की है। वैसे अर्जुन रामपाल ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्होंने उनके घर से बरामद हुए टैबलेट्स की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को एनसीबी को सौंप दिया है। And here are some other posts of your favorite celebs, जो सोशल मीडिया पर क्रिएट कर रहे हैं बज़।